पर सबसे ज्यादा महोदय अत्याचार बिहार में ही हुए हैं, बिहार में ही हुए हैं ये रिपोर्ट में। महोदय पेपर लीक की बात हो जाए, क्राइम में तो बिहार को जो है अव्वल नंबर मिला है, क्राइम के क्षेत्र में अव्वल नंबर मिला है। मुख्यमंत्री जी को होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है, उनको बताना चाहिए बिहार में जिस प्रकार से अपराध बढ़ा है, बहन बेटियां जो सुरक्षा जो उनके मन में जो पैदा हुई है, कितना घिनौना काम बालिका गृह में हुआ, कितना घिनौना काम हुआ, हम लोगों का सर झुक जाता है, सर झुक जाता है। कौन बच्चियों के साथ हुआ था? वही बच्चियां जो बेसहारा हैं, जिनका कोई नहीं, उनके लिए होम शेल्टर बनाया गया था। वो तो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, लेकिन आश्चर्य की बात है, देखिए जिस बच्ची ने उजागर किया, उस बच्ची के साथ दोबारा गैंगरेप होता है सीतामढ़ी में। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं। पता नहीं आप लोग सुनते हुए, डेली फटकार लगता था जब डेट होता था बालिका गृह में, और ये लोग तो महोदय सीबीआई की जांच ही नहीं दे रहे थे। अगर हम लोग जंतर मंतर तक धरना नहीं देते तो सीबीआई जांच ही नहीं होता, गुनहगार को सजा ही नहीं मिलता महोदय। तो आप देखिए किस हिसाब से बिहार में अपराध जो है चरम सीमा पर है। इस पे हम लोगों को कोई टिप्पा टिप्पणी ज्यादा नहीं करना, ये सबके सामने है, सबके सामने है। लेकिन अभी भी मूछ वाले तोंद वाले अंकल बचे हुए हैं, मूछ और तोंद वाले अंकल अभी भी बचे हुए हैं। वो बहुत लोग महोदय अभी भी अधिकारी से लेकर के बहुत लोग हैं। हम लोग भी उस पे उच्चतम अदालत हम लोग जाएंगे, समय पे हम लोग जाएंगे, सबूत पेश करेंगे, और बच्चियों के साथ जिन्होंने घिनौना काम किया है उनको हम लोग बख्शने का काम नहीं करेंगे। महोदय लगातार बेरोजगारी, दस मिनट आप देखिएगा महोदय, बेरोजगारी सुन लीजिए हाँ ठीक है आप बैठ, आप बोलने दीजिए, बैठ बोलिए, तेजस्वी जी बोलिए, बैठिए महोदय, बैठिए। आप कौन सी पार्टी की है? बीजेपी की है? हमको ज्यादा मत बुलवाइए, चलिए ठीक है बहुत बढ़िया, बैठिए। अब सुनिए महोदय, एक मिनट अध्यक्ष बैठ जाइए, हो गया मंत्री नहीं बनिएगा, बैठ जाइए। सुनिए महोदय, बेरोजगारी, देश जो है विश्व में सबसे युवा देश है हमारा, और बिहार जो है देश में सबसे युवा प्रदेश है। बिहार में 7 करोड़ नौजवान हैं, 7 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए इस सरकार ने क्या किया, केवल लाठी और डंडे बरसाने का काम किया है। महोदय एनएसएसओ रिपोर्ट में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है 45 साल बाद, यानी हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट है 45 साल बाद। महोदय एनएसएसओ के आंकड़े बताते हैं कि बिहार के सिर्फ 12% लोग ही नौकरी करते हैं, जो देश के प्रमुख 18 राज्यों में से सबसे कम है। महोदय सबसे ज्यादा युवा देश यहां और सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार है। हम लोगों की युवा है, हम लोगों की चिंता होती है कि बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र क्यों बना हुआ है। कभी गंभीर हो जाइए भैया, गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं, लोगों के रोजगार को आप 7 करोड़ नौजवानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, 7 करोड़ नौजवानों के साथ मजाक कर रहे हैं। अरे मंत्री जी स्थान ग्रहण करिए, बोलिए हो गया, बैठिए।
अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। महोदय हम तो आंकड़े बता रहे। समय 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 बहुत, सुनो एक मिनट, एक मिनट हो गया हो। महोदय कितने कितने 15 साल में नीतीश जी की सरकार ने, भाई सुनो, 15 साल में नीतीश कुमार जी के सरकार ने कितने रोजगार सृजन किए, कितने युवाओं को नौकरी दिया, कितने युवाओं ने रोजगार कार्यालय जा करके उसमें पंजीकरण कराया, रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने के लिए सरकार के पास कोई अल्पकालिक उपाय नहीं है और ना ही कोई दीर्घकालिक नीति या दिशा है। महोदय ये हम सदन में बताना चाहते हैं। 7 करोड़ युवा आबादी जो है भगवान भरोसे नीतीश कुमार जी के सरकार ने छोड़ देने का काम किया है। बिहार में के पास अधिकतम मानव संसाधन है, इसके बावजूद सरकार के पास उनका राज्य के विकास में उपयुक्तता के लाभ उठाने के लिए कोई नीति या दिशा नहीं है। हमारे मानव संसाधन में दूसरे राज्य तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दूरदर्शिता के अभाव में बिहार अपने ही मानव संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रही है। महोदय महोदय इसकी राष्ट्रीय जनता दल जो है लड़ाई भी कर रहा है। महोदय एक इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमको लगता है कि सदन में इसकी बातें होनी चाहिए और सदन को पता भी चलना चाहिए। बार बार लोग कहते हैं 15 साल बनाम 15 साल। आप बताओ डबल इंजन की सरकार में बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? डबल इंजन की सरकार में बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं दिया गया? महोदय जब लालू जी सेंट्रल में थे, राष्ट्रीय जनता दल सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, जब वो रेल मंत्री बने तो पहला जो यूपीए का है उसमें लगभग बिहार को 1,44,000 करोड़ रुपए दिए गए। हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि इस डबल इंजन की सरकार में कितना मिला? जो प्रधानमंत्री योजना जो सड़क है उसमें सबसे ज्यादा जो है पूरे और राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा बिहार को दिया गया। रघुवंश प्रसाद सिंह जी ग्रामीण विकास मंत्री थे। मिड डे मील जैसे स्कीम, नेशनल हाईवे की तो स्थिति आप देख रहे हैं, चीफ जस्टिस जो है वो भाग जा रहे हैं गाड़ी से उतर करके, वो कह रहे बिहार में क्या स्थिति है। और पूछे मुख्यमंत्री जी नेशनल हाईवे में आप कितना पैसा मिल रहा है बिहार को? हम लोग जब थे तो कितना कुछ हम लोग करवाए थे काम, उसमें हमको नहीं लगता बताने की जरूरत है, सारा आंकड़ा इनके पास होगा। लेकिन आप बताएं ना डबल इंजन की सरकार में नेशनल हाईवे में कितना पैसा मिल रहा है? कोसी बार में लालू जी जब थे, जो 2007-08 में आया था, 5 जिलों में 1100 करोड़ रुपया दिया आपके डबल इंजन की सरकार ने, कितना बार पीड़ितों को दिया? हम जानते हैं मुख्यमंत्री जी की चिंता परेशानी, क्या मिला बिहार को? कितनी बार बोलने के बाद भी सर्वे नहीं करने आता था लोग, और सर्वे आ करके करके चला भी जाता है तो क्या होता है? बिहार को ठेंगा दिखाने का काम किया जाता है। बात कर रहे बीजीआरएफ फंड, जो आजकल जो चीजें हैं, जो योजनाएं जिसका लाभ उठाया जाता है बीजीआरएफ फंड का, बोर्ड का गठन कब हुआ था बीजीआरएफ बोर्ड का? और उस समय बीजीआरएफ का बोर्ड का गठन लालू जी ने करवाया, यूपीए की सरकार ने करवाया, और सभी बिहार के जिला को पिछड़ा घोषित करवाया था, तब जा करके बिहार में थोड़ा बहुत जो विकास हुआ होगा वो आप लोगों को दिखने का काम करता था। लोन लेने की अनुमति नहीं थी महोदय, रेलवे के कारखाने खोले गए थे महोदय, गरीब रथ जैसे ट्रेन, गरीब भी एसी में चले, उसका लाभ लोगों ने उठाने का काम किया, गरीबों ने उठाने का काम किया, लेकिन अब सब गरीब रथ को बंद किया जा रहा। 90,000 करोड़ का लालू जी ने मुनाफा देने का काम किया, लाखों को रोजगार दिया, और आरओबी जितना बनता था उसमें पूरा 100% जो है रेलवे दिया करती थी। इस सरकार ने कितना देने का काम किया? आप लोग बात करते हैं बिहार की, जब बिहार जब लालू जी के हाथ में आया था 90 के दौर में, तो गांधी मैदान का रेलवे स्टेशन गिरवी था, रेलवे स्टेशन गिरवी था बता देते हैं। और जब 2005 में नीतीश कुमार जी जब 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार को 37 करोड़ मुनाफे में देने का काम किया, 37 करोड़ जो है वो मुनाफे में देने का काम किया, और 2500 करोड़ जो था लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो बिहार नुकसान में था, गिरवी रखा हुआ था। ये चीजें क्यों नहीं बताई जाती है महोदय? आप हर बार जो है
लालू जी को दोष ठहराना बंद कीजिए और अपने दिशा के बारे में जो है अपना बताने का काम कीजिए। पहले इस बात से तो सब सहमत होंगे, अफसरशाही है इस सरकार में, अफसरशाही है। विधायक की तो छोड़िए, मंत्रियों की नहीं सुनी जाती है अफसरशाही, तो गरीब जनता की तो छोड़िए, पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर की छोड़िए, इस बात से सब सहमत होंगे। कोई अधिकारी सुनता है? कोई अधिकारी नहीं सुनता है। कोई जनप्रतिनिधियों की पूछ नहीं होती है मोदी सरकार में, कोई पूछ नहीं होती है, कोई पूछ नहीं होती है। लालू जी के समय एक गरीब भी डीएम ऑफिस जा करके उसको भी मान सम्मान से बैठा करके चाय पिलाया जाता था, उसकी समस्या सुनी जाती थी, उसकी समस्याओं को पूरा किया जाता था, वो गरीब का राज था। यहाँ तो लगता कि तीन चार अफसर है वही बिहार को चला रहे। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल का दर्जा कम मिला नहीं मिला ये तो ये बताएंगे तो महोदय। हालांकि कोई काम का बात बीजेपी के लोग जो है सुनने का उनको आदत नहीं है, उनको खाली दंगा फसाद मार काट, ये लोग नथुराम गोडसे के वंशज हैं, ये लोग काम में विकास में विश्वास नहीं रखते, ये लोग गांधी जी के अत्यारे हैं, ये लोग गांधी जी के अत्यारे हैं। महोदय ये लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी का पति पति गालियां देने का काम किया, कर्पूरी ठाकुर जी को पति पति गालियां देने का काम किया, गंदे गंदे नारे लगा। अरे बोल ही रहे हैं तो आप कहे के लिए बोल रहे हैं, बैठ जाइए। अरे बैठ जाइए ठीक, बैठ जाइए बैठ जाइए। माने दो मिनट में हम कंक्लूड करते हैं, चलिए आप बोलिए। दो मिनट में हम कंक्लूड करते हैं, बोलिए। दो मिनट में कंक्लूड करते हैं, हम कंक्लूड कर दी महोदय। महोदय अरे अरे ठीक है भाई, बैठ जाए मंत्री जी, हो गया सम्मानित मंत्री जी, बैठ जाइए सम्मानित मंत्री जी। महोदय अब हम लोग को गाली नहीं देते तो मंत्री कैसे बनते, लालू जी को गाली नहीं देते तो मंत्री कैसे बनते, हम लोगों को गाली नहीं देंगे तो रोजगार इनका कैसे चलेगा। चलो कोई तो रोजगार सृजन हुआ, बैठ जाइए। चलिए अध्यक्ष महोदय, हाँ और भी जो बातें हैं हम चाहेंगे अपने स्पीच में, और भी जो लिखित में है महोदय वो हम चाहेंगे। लोग बैठे बैठे बात बिगाड़ने का काम न करें, ठीक। बिहार में कंक्लूड करने दो यार, बिहार में डबल इंजन का सरकार, यानी ये स्पष्ट है कि बिहार में 55 बड़े बड़े घोटाले हुए, कोई अधिकारी बड़ा मंत्री जेल नहीं गया। धान घोटाला से बियाडा घोटाला से बांध घोटाला से लेके सृजन घोटाला के अपराधी लोग बाहर घूम रहे हैं, जांच का था पता नहीं क्या हो रहा, हमको सब पता है खेल ले मोदे। 55 घोटाले हुए यानी ये साफ स्पष्ट है कि ये